सो ये जो आप मैट अभी देख रहे हो, ये मैट है वो कम्प्लीटली बनाना स्टेम से बनाना फाइबर एक्सट्रैक्ट करके बनाया हुआ है। सो अभी मैं आपको ये प्रोसेस बताने वाला हूँ कि ये बनाना स्टेम से लेके यहाँ तक कैसे पूरा प्रोसेस होता है और कैसे ये मैट बनाया जाता है बनाना फाइबर से। खेत में जैसे ना यहाँ जलगांव में जैसे केले का 95% खेती बनाना का होता है, तो इसलिए हम लोगों ने उसी पर काम करना स्टार्ट किया है। तो उसका केले का जो भी फल निकलने के बाद उसका स्टेम जो बच जाता है वो पूरा वेस्टेज है, तो उसमें से हम लोगों ने फाइबर एक्सट्रैक्ट करके फिर उसके चटाई कुछ डोर मैट्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया है। तो उसमें से जैसे हम लोग वो जो स्टेम बच जाता है पूरा काट के लेके आते हैं, उसका फिर एक एक पेटल निकाल के उसका फाइबर एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस आगे का होता है। जैसे मशीन में वो एक एक पेटल डाल के उसके बाद फिर उसके फाइबर एक्सट्रैक्ट किए हुए ये इस टाइप के फाइबर्स आपको मिलते हैं। फिर इन पर हम लोग इको फ्रेंडली थोड़ा सा नेचुरली ट्रीटमेंट करके प्रोसेस करके फिर उसके बाद हम लोग इनको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद वो सूखने के बाद उनका एक एक फिर लच्छी तैयार किया जाता है कि जैसे उनको पूरा स्पिन करके चटाई वगैरह में यूज होता है अच्छे से। आपको स्पिन करने का प्रोसेस लगे तो इसमें से दिखा सकता हूँ। हम जैसे बनाना स्टेम में से निकला हुआ फाइबर है प्रोसेस किया हुआ, अब इनको एक नॉर्मली यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हम लोग ले लेंगे जितना अपने को थिकनेस उसका चाहिए। हाँ, ये जैसे अभी इतना है, उसके बाद इनको थोड़ा सा साफ करना पड़ता है। ये जैसे वेस्टेज उसके और भी निकलते हैं, अब ये हम लोग फेंकते नहीं हैं, इसको भी कुशन वगैरह में हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे इनको नॉर्मल पानी में थोड़ा सा गीला करके नेल से इसको फिर वापस से खींचना है ताकि ये और भी कुछ पाउडर फॉर्म में रहेगा निकल जाएगा। इस टाइप का थोड़ा जो भी ऐसा थोड़ा बहुत वेस्ट होता है और जो ऐसा अनइवन थ्रेड्स होता है ऐसा थोड़ा सा रफ वो निकल जाता है, निकल आता है पैर पे। जैसे पहले जमाने में धागे को ऐसे करते थे, स्पिन करते थे, तो उस टाइप से हम लोग ऐसे स्पिन करते हैं। फिर अब ये होने के बाद इसका स्पिन किया हुआ निकल ना जाए इसके लिए इसको सेंटर में से फोल्ड करके वापस ऐसे स्पिन करके रख देते हैं। इस मशीन के बारे में बताओ ना। ये मशीन एक्चुअली हम लोगों ने खुद से तैयार किया हुआ है, ताकि फैब्रिकेट किया हुआ है। हम लोग काफ़ी कुछ इसमें मतलब प्रॉब्लम्स आए कि जैसे कोविड का सिचुएशन भी था और मेटल के साथ थोड़ा संपर्क ज़्यादा नहीं रखना था कोविड के इसमें, फिर भी हम लोगों ने कुछ काफ़ी मेहनत के बाद ही सफल हुआ मशीन बनाने का काम। उसके बाद हम लोगों ने कुछ मार्केट में से पार्ट्स वगैरह इकट्ठा किए कि मशीन के कुछ स्प्रिंग वगैरह आते हैं वो अलग दुकान से इकट्ठा किए, वापस कुछ बर्तनों के ढक्कन वगैरह मार्केट से लेके आए हैं किलो के गंती पे। तो ये सारा पूरा कलेक्ट करके पूरा ये मशीन हम लोगों ने यहाँ बना के रखा हुआ है। और ये मशीन है वो ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन मशीन है और हर जगह होता है, ये ऐसा हर्षल चाचा ने खुद से डिज़ाइन किया हुआ मशीन है। अगर आप इंटरनेट पर भी देखोगे तो आपको ऐसा सेम टू सेम मशीन नहीं मिलेगा, ऐसा बेसिक आइडिया मिल जाएगा कंसेप्ट, बट ये जो मशीन का डिज़ाइन होता है कि यहाँ पर बैठ के ऐसे करने का, फिर यहाँ पर ब्रेक होगा, ये सब जो भी मैं आपको अभी बताऊंगा ये सब हर्षल चंद ने खुद से डिज़ाइन किया हुआ है।
ये मैट से जो कि अभी कंप्लीट हो गया, हर्षल जो कि एक ही मैट है, इतना रोल हुआ हुआ कि इसमें 10 मैट्स हैं। हाँ, सो 10 मैट्स है ऐसा रोल किए हुए साथ में, और यहाँ पे जो मैट है वो पूरा कंप्लीट हुआ हुआ है। तो जैसे मशीन में वार्पिंग करने के लिए एक सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, ताकि वार्प के हिसाब से ही फिर हम लोग ये नीचे का टेंशन वगैरह सेट करते हैं, ताकि इसीलिए फिर ये यहाँ स्प्रिंग के टेंशन दिए हुए हैं, ताकि धागे ऐसे टाइट रहना चाहिए इसमें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका हेल्प ये स्प्रिंग से मिलता है ताकि वो टाइट हो जाता है वापस, अगर ज़्यादा उससे भी प्रॉपरली टाइट नहीं हो रहा है तो ये वाले यहाँ जो अपन कर्टन वगैरह टांग के वो वाले हुक यहाँ हम लोगों ने लगाए, तो इसमें ये अटकाना होता है, फिर ये ऐसे उसको और भी खींच के रखता है, मतलब उतना ही वो टेंशन हो जाता है उसका, फिर टाइटनेस उसमें आ जाता है। दूसरा ये वाप उसमें लपेटने के लिए, अभी यहाँ पूरा 300 मीटर धागा लपेटा हुआ, तो ये जो ढक्कन वगैरह आपने होते हैं बर्तन के, वो एक पाइप में अटका के हम लोगों ने यहाँ पूरा 300 मीटर में से इसमें धागा वाप अटकाया हुआ है। अब ये रॉड जो है ये ब्रेक दिया हुआ है, ताकि ये दूसरी साइड में घूमना नहीं चाहिए, दूसरी साइड में घूम गया तो ये वाप जो है वो लूज हो जाएंगे, उनको टाइट रखने के लिए ब्रेक एक काम करता है। दूसरा जो मैट कंप्लीट हो गया है वो इस पाइप पर पूरा लपेट के रख देता है। अब उसके बाद यहाँ एक उतना स्पेस फिर मिल जाता है, ये जितना जितना नीचे ये यहाँ कंप्लीट होते जाएगा उतना और रॉड घुमाते जाना है, ताकि ये नीचे अपने आप फिर लपेटा हुआ जाएगा। फिर हम जैसे देखेंगे यहाँ से अगर मैं उठाऊंगा तो इधर देखना है जैसे लपेटा हुआ था। तो जिस तरह असल जैसे जो है वो बनाना फाइबर को यूज़ करके डोरमैट बनाते हैं, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल के बाकी सब वीडियोस भी चेक करो, अगर आपको मेरे चैनल के भी सब वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। तो आपने इसके पहले जो देखा वो था मैट वीविंग का प्रोसेस, और नेचुरली मैट वीविंग का नेचुरल फाइबर से जो मैट कैसे बनाते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि असल जैसे जो है वो नेचुरली कपड़ों को डाई कैसे करते हैं। तो ये हर्षल चाचू ने अपना सेटअप तैयार कर लिया है, अभी हर्षल चाचू आपको यहाँ पर बताएंगे कैसे डाई किया जाता है। अब जैसे ये फैब्रिक के हम लोग डाई करने वाले हैं, तो ये जैसे पूरा वाइट फैब्रिक है, वाइट फैब्रिक को सबसे पहले इसमें नेचुरली ना कैसे वैक्स होता है, तो वैक्स जब तक रिमूव नहीं होता उसके इम्प्योरिटीज वगैरह निकालने पड़ते हैं, उसके बाद ही इस पर डाई वगैरह चढ़ेगा, तो अब इसको मतलब स्काउरिंग का प्रोसेस बोलते हैं। अब ये फैब्रिक स्काउरिंग किया हुआ है, जैसे उसमें सोडा ऐश या फिर ऐसे केमिकली अगर ट्रीट करना है तो वैसे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं रीठा के इसमें सॉल्यूशन में भिगा के उनको वॉश करता हूँ, मतलब नेचुरली अगर ट्रीटमेंट करना है तो। तो ये स्काउरिंग किया हुआ है, अब इसका वैक्स स्टार्च वगैरह सब निकल चुका है, अब ये डाई करने के लिए रेडी है। जैसे स्काउरिंग हो गया उसके बाद फिर हर्टा के सॉल्यूशन में इनको भिगा के रखा हुआ था आधे घंटे तक, उनको अच्छे से ड्राई होने दिया 24 घंटा, उसके बाद इनको मॉडरेटिंग किया। जैसे अब ये वाला एक फैब्रिक हर्टा के बाद फेरस सल्फेट किया हुआ है, तो फेरस सल्फेट ऐसे एक केमिकल है लेकिन वो कुछ हार्मफुल नहीं है, एक कलर वेरिएशन के लिए हम लोग थोड़ा सा यूज़ करते हैं छोटे से मिनिमम क्वांटिटी में। अब सबसे पहले इनका हम लोग वेट करेंगे, वेट के हिसाब से कितना हम लोगों को डाई लेना है, कितना हर्टा लेना है और पानी कितना लेना है, वो इस पर डिपेंड होता है। 70 अब ये जैसे कत्था है जो अपन पान में खाते हैं ना वो वाला, ये से चिप फॉर्म में आता है, इसका पाउडर फॉर्म किया जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग पानी गिन लेंगे फैब्रिक के वेट के हिसाब से कितना है, फिर उसमें कत्था ऐड करके 15 मिनट एक्सट्रैक्शन के लिए रखेंगे, उसके बाद आधा घंटा डाइंग। अभी जो कत्था हम लोगों ने कुक के लिया था डाइंग के लिए वो पानी में डाल दिया है, और अभी 15 मिनट उसको एक्सट्रैक्शन के लिए रख रहे हैं, तो जब भी ये बॉयल हो जाएगा उसके बाद फिर 15 मिनट बाद
उसमें फैब्रिक डालेंगे डाइंग के लिए। तो ये हमेशा स्टील या फिर कॉपर के बर्तन में ही करना चाहिए। अगर एल्युमिनियम के बर्तन में करेंगे तो शेड डिफरेंट हो जाते हैं, और लोहे की इसमें भी करेंगे तो रिएक्ट करता है हरडा के साथ। सरसल जो थी, ये सब जो भी आप अभी नॉलेज है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है, ये सब आपने कितना टाइम तक ऐसा स्टडी किया है इसके बारे में और कितना रिसर्च किया है? ये देखिए, अभी इसमें रिसर्च तो हमेशा ऐसे चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट। अभी नेचुरल डाइंग का मैंने खाली एक बेसिक सीखा हुआ है, उसके बाद तो फिर अपने अपने एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर होता है कि जैसे आपको शेड्स कितने चाहिए क्या है। तो अभी तक मैं डाइंग के मतलब 78 के आसपास शेड्स बना चुका हूँ। तो वो वाला इधर डाल देना है, इसके बाद जो फैब्रिक डालने से पहले जो है उसमें। हाँ, इसमें टाइम सेट कर देंगे 30 मिनट्स। तो सब कपड़े को हाफ एन आवर बॉईल करके हो गया है। अभी बॉईल करने के बाद हर एक कपड़े को अच्छा कलर आ गया, अच्छा डाई हो गया हर एक कपड़ा, अलग अलग शेड्स में मरून कलर के। और अभी अर्शल चाचू वो धो के यहाँ पे सुखाने वाले, तो फिर मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ यहाँ पे सुखाने के बाद बॉईल करने का। अर्शल जो ऐसे नहीं होता, अभी अपन मटेरियल यूज़ करके अपन क्लॉथ को डाई करेंगे तो उस मटेरियल का स्मेल ऐसे क्लॉथ में रह जाएगा, फिर पहनेंगे तो फिर वैसा स्मेल आएगा, ऐसा नहीं होता। हल्का सा इनका नेचुरल डाइज का एक बेनिफिट है कि उसको लाइट ऐसे फ्रैग्रेंस आते रहता है जिसमें अपन डाई करेंगे वैसे। जैसे मेहंदी पाउडर में अगर किया तो उसका फ्रैग्रेंस उसमें लग जाएगा, हल्दी का किया तो हल्दी का, और एक दो वॉश में वैसे निकल जाता है स्मेल, वैसे कुछ नहीं। नेचुरल डाइज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? हम जैसे नेचुरल डाइज के बेनिफिट्स ये हैं कि उससे स्किन कैंसर तो सबसे पहले वो नहीं होता है, जो कि केमिकल डाइज में वो काफ़ी रिएक्ट कर जाता है कुछ टाइम बाद, जो उसमें एंजाइम्स वगैरह होते हैं काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो और दूसरा, जैसे केमिकल डाइज का अगर आप जीन्स भी पहनते हो सपोज, तो उसको हर एक वॉश में कुछ परसेंट में वो पानी में निकलते रहते हैं उसके पार्टिकल्स, तो ऐसे फिर वो मतलब अपने पर्यावरण के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होता है, तो उसमें वो केमिकल्स आते हैं, फिर तुम्हारा स्किन कैंसर का एक रिस्क होता है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल डाइज में नहीं होती हैं, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है नेचुरल डाइज, लेकिन उसमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं, इसलिए आजकल थोड़ा सा लोग उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो हम लोग ने इस व्लॉग में आपको बताया हर्षल चाचू कैसे मशीन यूज करके मैट बनाते हैं बनाना फाइबर से, कैसे नेचुरली कपड़ों को डाई करते हैं अलग अलग शेड्स में, बहुत सारे शेड्स में नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज करके, ये सब खाली हम लोग ने थोड़ा थोड़ा आपको इस वीडियो में बताया। हर्षल चाचू ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें बनाते हैं, हर्षल चाचू आप ऐसा क्या क्या बनाते हो? जैसे देखो, बनाना रॉ फाइबर्स के हम लोग सिटिंग मैट, टेबल मैट, योगा मैट, फिर कुछ कर्टन वगैरह हैं, फिर आपका स्लीपिंग मैट्स हैं, उससे फिर कुछ फाइल कवर्स, पोस्टर्स, हॉट पैड, बैग्स वगैरह, उससे ये सब रॉ मटेरियल से बन रहा है। तो ये जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको कुछ परचेज करने रहेंगे, कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा, तो ऐसे आप हम लोग को मेल कर सकते हैं। तो मेरा ईमेल आईडी है harshaldesigns@gmail.com। हर्षल चाचू का जो भी ईमेल आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और हर्षल चाचू का इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप हर्षल चाचू को वहां पे भी जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि अलग अलग शेड्स कैसे तैयार किए जाते हैं और उसके लिए कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं।